CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बंजारन भाग दो। आलेख विभा देवसरे का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई तुम सब इंतजार कर रहे हो बंजारन का, तो आओ बंजारन बात करो। बताने लाई हूँ मैं एक पिटारा जादू का। नहीं नहीं ये बड़ा अजब है। सांपने वाला? नहीं नहीं ये बड़ा गजब है। ठुमक ठुमक ठुम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम। मैं बंजारन नाचू गाऊ। बच्चों तुम भी नाचो गाओ, तुम भी नाचो गाओ, ताली पीटो पीटो ताली। वाह वाह कितने अच्छे हो तुम। हाँ तो भाई जोर से सब बच्चों ताली बजाओ। हाँ हाँ ताली बजाओ। एक दो तीन और अब कहो नमस्ते। बच्चों आज जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो एक मोटी सिठानी मिल गई। इतनी मोटी के पूछो मत। उसकी चाल बड़ी धम्मक धम्मक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी ढोलक लोढ़क रही हो। अरे बंजारन ये ढोलक की धम्मक धम्मक क्या होती है? अरे 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 ये तुम कहां से बीच में टपक पड़े पोपटलाल? ढोलक की धम्मक धम्मक तो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे अपनी बात कह लेने दो। सिठानी को धम्मक धम्मक चलते देखकर मुझे वो गाना याद आ गया। डम डमा डम ढोलक बाजी, तक थिना थिन तबला। क्या बोले तबला? हाँ तो बच्चों उस मोटी सिठानी के बाद मुझे मिला कलुआ मदारी। बेचारा बड़ा दुखी था। मैंने पूछा क्यों रे कलुआ, अरे ये मुंह लटकाए क्यों बैठा है? कलुआ बोला क्या बताऊं बंजारन, इस बंदर के बच्चे ने मेरा डमरू तोड़ दिया है। अब ना तो डमरू बचता है ना ये बंदर नाचता है। बंदर नहीं नाचता है तो पैसे नहीं मिलते, दो दिन से रोटी नहीं खाई। मैंने कलुआ को एक रुपया दिया और कहा जा जा जाके डमरू बनवा ले। बच्चों डमरू तो तुमने देखा ही होगा, डम 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 बजता है। अरे दोस्तों मदारी का वो गाना तुमने सुना है ना? अरे वही जो डमरू बजाकर गाता था मदारी।
बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। लालू के भालू के, सिकंदर के बंदर के, शेर के बकरी के खेल देखो खेल। राजा के रानी के, नानू की नानी के, काने की कानी के खेल देखो खेल। बच्चों तुम पोपट लाल की बातों में मत आना, तुम लोग तो ये गाना सुनो। डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी, डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी, पीछे पीछे राजा नाचे जिसकी कानी नानी, डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी। और अब मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। ओफो, अरे भाई शोर तो ना मचाओ, चलो सुनो एक कहानी। जब बंदर ने ढोलक बजाई तो लोमड़ी ने क्या किया? भाई हुआ क्या कि बंदर को कहीं से एक ढोलक मिल गई। बंदर ने उस ढोलक को अपने गले में लटका लिया और सारे जंगल में उसे बजाता बजाता घूमता रहा। डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम। जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए कि ये बंदर क्या बजा रहा है। खरगोश की लहरी जैसे छोटे मोटे जानवर तो डर के मारे अपने अपने घरों में जा दुब गए, और बंदर महाराज घूम घूम कर ढोलक पीटते रहे। आखिर ढोलक पीटते पीटते जब बंदर थक गया तो उसने अपने गले से ढोलक निकाल कर एक जगह रख दी और कहीं घूमने चला गया। उसी बीच एक लोमड़ी वहां आई। वो लोमड़ी कई दिन से भूखी थी। उसने ढोलक के चारों ओर घूम घूम कर देखा, फिर सोचा जरूर कोई मोटा तगड़ा जानवर है ये, आज तो इसे जी भर के खाऊंगी। बस फिर क्या था, लोमड़ी ने जैसे ही दांतों से ढोलक पर चोट की, फट से ढोलक फट गई और लोमड़ी उसमें फंस गई। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ढोलक से बाहर निकल आए, लेकिन बेचारी लोमड़ी जितनी कोशिश करती उतनी उसमें फंसती जाती और ढोलक ढोलक लुढ़कती जाती। लोमड़ी को देखकर जंगल के सब जानवर इकट्ठे हो गए और लोमड़ी को इस तरह ढोलक में फंसा देखकर सब हंसने लगे। भेड़िया दौड़ा दौड़ा बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई जल्दी चलो, तुम्हारी ढोलक में लोमड़ी फंस गई है। ये सुनकर बंदर भागा भागा आया और जब उसने लोमड़ी को ढोलक में फंसा देखा तो वो बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने एक लात मारी ढोलक पर। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते एक बावड़ी में जा गिरी। तो बंजारन, तुम्हारी ढोलक लेकर लोमड़ी बावड़ी में डूब गई। ओफ, अरे पोपट लाल, अरे बाबा मेरी ढोलक तो मेरे पास है। ये देखो ये रही। डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी, डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी, पीछे पीछे राजा नाचे जिसकी कानी नानी, डम डमा डम ढोलक बाजे जिस पर नाचे रानी। थक न तिनक धिन, थक न तिनक धिन,
अरे बच्चों, नहीं पहचाने इसे? अरे भाई, इसे तबला कहते हैं, तबला। क्या कहते हैं इसे बच्चों? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, तबले की जोड़ी होती है, एक तबला और दूसरा डुग्गी। तबला भी लकड़ी का होता है, अंदर से ये पोला होता है, इसके ऊपर खाल मढ़ी होती है, मढ़ी हुई खाल के बीच में काला काला गोल गोल हिस्सा होता है, इसी से तबले में गूंज होती है। अब तुम सुनो कि ये तबला बजता कैसे है। गाना याद है? जब वो बोलता है तो साथ में क्या बजता है? अच्छा अच्छा, सुनो तो सही। झगड़ा करता ना मैं करूं लड़ाई, झगड़ू मल जो मुझे कहेगा उसकी शामत आई। सुनो जी, उसकी शामत आई। तो भाई सुनो बात की बात बात मैं, फिर झगड़े की बात बात मैं, फिर झगड़े की बात बात मैं, फिर झगड़े की बात। लेकिन बच्चों, नगाड़े को तबले की तरह हाथ से नहीं बजाते, लकड़ी की डंडी से बजाते हैं। बड़े बड़े कटोरे होते हैं ना, बस वैसा ही होता है नगाड़ा। नगाड़े का बड़ा कटोरा तांबे का होता है और छोटा लोहे का। दोनों के ऊपर खाल मढ़ी रहती है। नगाड़े को मंदिरों में त्योहार के समय या नौटंकी में बजाया जाता है। नौटंकी तो मेरे ख्याल से तुम सबने देखी होगी। खैर, अब तो तुम सब अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि ढोलक, तबला, डमरू और नगाड़े की आवाज कैसी होती है। मैं भी अच्छी तरह पहचान गया हूँ सारे बाजे। बंजारन, मैं बजाना भी जान गया हूँ। अच्छा, लेकिन बच्चों, पोपटलाल के चक्कर में तुम ना आना, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तबले की जगह ढोलक बजाएंगे और ढोलक की जगह तबला। पर कुछ भी हो बंजारन, ये सब बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, बच्चे तो बहुत भोले हैं, सबसे प्यार करते हैं। तुमसे प्यार करते हैं तो मुझसे भी तो प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं इन्हें मीठे मीठे गाने और अच्छे अच्छे बाजों के बारे में बताती हूँ। हाँ तो बच्चों, आज की पोटलियों में जितने बाजे मैं लाई थी, उन सब के बारे में और उनकी आवाजों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं चलती हूँ। भाई वाह दोस्तों, आज तो सचमुच बंजारन ने तुम्हें ढोलक, डमरू, नगाड़े और तबले के बारे में बताया। तो जरा जोर से कहो, जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।